शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी लाई। ये दावत वावत की क्या जरूरत थी? अमित भाई साहब ने पूरी तैयारी की है। ये अमित बिना आशी को बिगाड़ के रख देगा। आज आशी का जन्मदिन और आपने एक बार भी उसे बधाई नहीं दी। पराई जान को बधाई नहीं विदाई देते हैं। बेटियां पराई अमानत होती हैं, एक दिन पराई कर जाएगी। और ये मत भूलो आशी एक लड़की है, बेटी है। हाँ हाँ बेटी, पराई कर जाएगी। मायके से उसका इतना मोह रहा तो ससुराल क्या संभालेगी। इसलिए पराई शिशु को उखाड़ते वक्त जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं ताकि उखड़ते वक्त तकलीफ ना हो। याद रखना आशी पराया धन है। क्यूट है। नहीं, मेरा डैडी ज़्यादा क्यूट है। तुम पराया धन हो, ससुराल जाओगी, यहाँ सब कुछ मेरा है। सुना है? बेटा तुम्हें ये किसने सिखाया अपना पराया? माँ ने। नहीं बेटा, जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना इन दोनों का भी है। शादी के बाद लड़कियाँ कभी भी पराई नहीं होती, बल्कि एक नए परिवार को अपना बनाती है। मैके की दहलीज से ससुराल की दहलीज को जोड़ती हैं, दो घरों को एक करती हैं। ऐसा होता है लड़कियों का जीवन, समझा मेरा बुद्धू राम? हाँ। अब खेलते रहोगे क्या? अरे आशी कहाँ जाना है, बर्थडे पार्टी का केक खाने। अरे वाह, इतना सुंदर केक और इस पे तो हमारा नाम भी लिखा है। मैं तो मेरे बर्थडे पे हर साल केक कट करता हूँ, तुम क्या पहली बार केक काट रहे हो? हाँ पहली बार। इसीलिए तो इतनी खुश हो, पहली बार केक काट रही है। आशी, कल से आपके एग्जाम शुरू है ना, तो अपना हर पेपर इस पेन से लिखना, ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अरे वाह, इतनी सुंदर पेन, इससे तो हम सारा पेपर बहुत अच्छे से लिखेंगे। चलो अब जल्दी से केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ashi. Pradhanji! 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 प्रधान जी, कहा हो गया हमारे बेटे के साथ आपने ये काम कर दिया। सुबह आप ब्याह के लिए मान गए होते तो ये ऐसा अपनी जान नहीं देते, कभी नहीं देते। मर गए रे मेरी बिटिया, मेरी बिटिया चली गई, मर गई। हमको माफ कर दियो, हम कुछ ना कर पाए। अब कैसन प्रेम, कैसन ब्याह, कैसन विवाह, कैसन पंचायत, कैसन पंच, कैसन सजा, कैसन सजा और कैसन माँ। जन्म दे के मार दिया ना, इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम। आशी, आशी, आशी। शहर भेजा था ना पढ़ने के लिए, पढ़ाई की जोत नहीं मौत का मकर आई है, जीना नहीं मरना सीख के आई है। अगर तुम इसे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजती तो आज ये इस तरह से नहीं मरती। आ,
प्रधान जी, इनका मुंह से तो आग उगलते फूल जड़ रहे हैं। फूलों का मौसम तो आपके घर में भी है, बेटी का जीवन तो आपके घर में भी है। कल को ये बड़ी होगी और शहर बढ़ने जाएगी, किसी से प्यार हो गया तो क्या करेंगे प्रधान जी? अपने बेटी के साथ भी यही करेंगे आप? रीति रिवाज के लिए उसका दिल, उसकी सांसें, उसका सपने, सब कुछ अब तोड़ देंगे, तोड़ देंगे आप। अगर बेटियां पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाती हैं, आज हम पूरे गांव के सामने ऐलान करते हैं कि आज से हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी। आरसी को एग्जाम में बैठे दीजिए ना। अमित भाऊ, हम भी चाहते हैं कि आरसी एग्जाम दे, हमारी सबसे जीनियस स्टूडेंट है ये, लेकिन प्रधान जी ने पूरे गांव में ऐलान किया था कि वो आरसी को आगे नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम आरसी को एग्जाम देने देंगे तो प्रधान जी बहुत गुस्सा होंगे। मैं विनोद का गुस्सा समझता हूँ, बिल्कुल दूध के उफान जैसा है। आप बेफिक्र रहिए, दो दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आरसी ने एग्जाम नहीं दिया ना तो इसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसे एग्जाम देने दीजिए। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। टाइम हो गया, टेबल जमा करो। कहा था ना पढ़ाई नहीं, कहा था ना बवाल मचा देंगे, बवाल। अरे अरे क्या कर रहे हो प्रधान जी, रोकिए। अरे अरे क्या कर रहे हो बच्चे? प्रधान क्या कहा था हमने? पाठशाला की दहलीज पर आकर पाठ नहीं पढ़ोगी? तुमने इसे परीक्षा देने क्यों दी? प्रधान का मान क्यों नहीं किया तुमने? प्रधान जी, मेरी बात सुनिए। विनोद, ये सब क्या कर रहे हो तुम? हम वही कर रहे हैं जो हमारी बेटी के लिए सही है, जनता जनार्दन के लिए, रीति रिवाज के उदाहरण के लिए। धर्म सनातन कर्म ही बेटी का जीवन है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज गांव का प्रधान नहीं, एक पिता कह रहा है, आज से मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, नए जमाने में कदम नहीं रखेगी, नीति नियम में रहेगी और नीति नियम में पलेगी। रुक जा विनोद, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने पे तुले हो? उसे पढ़ने दो। विनोद,
गांव के बनाए रीति रिवाजों के लिए तुम अपनी बेटी का भविष्य खराब कर दोगे? अरे गांव वाले तो कुछ भी कहेंगे। गांव वाले जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बोलो तुम पागल हो गए? अरे तुम्हारी बेटी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हारे अंदर का पिता बन गया क्या? अरे पिता होने के नाते क्यों अपनी बेटी के सपनों को तोड़ रहे हो? उसको आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? गांव के इन पुराने रीति रिवाजों के लिए अपने बेटी का भविष्य खराब मत करो। अमित तुम बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़ो? आखिर आशी मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी होना और बेटी होना दोनों में बहुत फर्क है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो ये गांव वाले तुम्हारे मुंह पर नहीं हमारे मुंह पर थूकेंगे, और ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। इज्जत से जो इज्जत कमाई है ना उस पे तमाचा लगने नहीं देंगे। कल को आशी ससुराल जाएगी ना वहां उन लोगों की जो मर्जी उससे कराए, उसे पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, घर बिठाना होगा बिठाएंगे। पागल हो गए पागल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब इसे तुम दिमाग खराब समझते हो तो दिमाग खराब ही सही, लेकिन हमारा एक ही जवाब है। अब उसे जो करना होगा वो ससुराल जाने के बाद ही करेगी। अब हम उसे यहां कुछ नहीं करने देंगे। कल को कुछ हो गया ना तो कोई लड़का इसका हाथ नहीं थामेगा। अगर कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा तो हम अपने कुणाल की शादी आशी से करवाएंगे। अब तो खुश, अब तो उसे स्कूल जाने दोगे? वक्त के साथ सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, सारे वादे दुबले पड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कल कुणाल को और कोई पसंद आ गई तो? आज शुक्रवार है, अगले दो दिन के बाद सोमवार को आशी का दूसरा पेपर का एग्जाम है। बोलो कराओगे दो दिन के अंदर शादी उससे? बोलो कराओगे शादी उससे? बात करते हो, जाओ जाओ अपने घर जाओ। हम संभाल लेंगे अपनी बेटी को, जैसे पूरा गांव संभालते हैं वैसे ही बेटी को भी संभाल लेंगे, और हम उन दोनों का प्यार रचा देंगे। अगर आशी के आगे पढ़ने की यही शर्त है तो हमें शर्त मंजूर है। आशी और कुणाल की शादी दो दिन में करेंगे, दो दिन।